भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने दावा किया है कि उनकी फिल्म मुकद्दर इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म होगी। ये फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री के प्रति उन लोगों की सोच को बदलने वाली है जो भोजपुरी सिनेमा में कन्नी काटते हैं। बता दें कि एसके फिल्म्स एंटरटेनमेंट एवं शालीमार प्रोडक्शन लिमिटेड के बैनर तले बनी फिल्म मुकद्दर लोक आस्था के महापर्व छठ पर बिहार के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, जिसमें मुख्य भूमिका में खेसारी लाल यादव हैं और उनकी को स्टार है काजल राघवानी। उन्होंने कहा कि फिल्म मुकद्दर मेरी कुछ एक बेहतरीन फिल्मों में से एक है जिससे मैं भी प्रभावित होता हूँ। यूं तो फिल्म की कहानी एक सुपरस्टार की लाइफ पर बेस्ड है, मगर बावजूद इसके फिल्म में भोजपुरिया तहजीब दर्शकों को काफी पसंद आएगी। लोगों ने रियल लाइफ में मुझे भी सुपरस्टार का प्यार दिया है, मगर मैं आज भी दिल से उनका प्यारा भाई खेसारी लाल यादव ही हूँ। स्टारडम के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि स्टारडम को जीना आसान नहीं है। वो कैसे फिल्म मुकद्दर में दिख जाएगा? खेसारी लाल ने कहा कि फिल्म मुकद्दर के गाने इतने स्वीट है ना कि रिलीज से पहले ही लोग इसे गुनगुना रहे हैं। अभी मैं हाल ही में अपनी एक फिल्म को लेकर मोतिहारी में था, जब मुझे लोगों के फोन में इस फिल्म के गाने सुनने को मिले। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि गाने की मिठास वाकई लाजवाब है, जो एक बार सुन ले वो बिना डाउनलोड किए नहीं रह सकता। अगर ऐसे गाने आते रहे तो भोजपुरी पर कभी भी वल्गैरिटी का आरोप नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि फिल्म में कौशल मोजेस की एक्शन काफी रोमांचक और लुभावनी है, लोग इसे काफी पसंद करेंगे। इससे पहले उन्होंने शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार जैसे दिग्गज अभिनेताओं से एक्शन करवाए हैं और इस फिल्म में मुझसे करवा रहे हैं। उनसे काफी कुछ जानने को मिला है जो मेरे लिए काफी जरूरी भी था। बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ये पहली बार होगा जब एक सुपरस्टार बनने के बाद के लाइफ को पर्दे पर लाने की कोशिश हुई है। सुपरस्टार बनने के बाद उनकी जिंदगी कैसी होती है, लोग दूर से उसके लाइफ की भव्यता को तो देखते हैं, मगर उसके पीछे का सच क्या है ये सिर्फ सुपरस्टार बना इंसान ही समझ सकता है। ये वही जानता है कि एक सुपरस्टार दूसरे के लिए कैसे जीता है। फिल्म मुकद्दर में खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के अलावा शमीम खान, शुभि शर्मा आदि मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।